छोटी काशी मंडी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर सनातन धर्म सभा मंदिर के द्वारा शहर में शोभा यात्रा निकाली जाती थी, लेकिन इस बार ये नजारा कोरोना महामारी के कारण देखने को नहीं मिला। इस बार केवल पूजा अर्चना कर प्राचीन रस्में ही निभाई गई। जन्माष्टमी पर सनातन धर्म सभा मंदिर से शोभा यात्रा निकाली जाती थी। पालकी में कृष्ण भगवान की मूर्ति के साथ शहर के परिक्रमा करने की परंपरा रही है। इस दौरान बच्चे रंग बिरंगी पोशाकें पहनकर पहुंचते थे। रात 12 बजे तक छोटी काशी के सभी मंदिरों में कृष्ण भजनों का दौर चलता था, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण ये सब नजारा देखने को नहीं मिला। सनातन धर्म सभा मंडी के पुजारी ने बताया कि जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की उपासना की जाती है। हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ था, ऐसे में उस वक्त ही पूजा करना लाभकारी माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी के दिन पंचामृत का भोग लगाना शुभ माना जाता है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को नई पोशाक जरूर पहनाएं। सच्चिदानंद भगवान की श्री कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ पर्व सब पूरे भारतवासियों को मुबारक हो। आज का जो पर्व है, गत वर्षों के भांति बड़े उत्साह से मनाते थे, बड़ी उत्साह कोरोना की वजह से सब लोग अपने अपने घरों में हैं। थोड़ी साधारण सा घर में ही मंदिर में ही अपने आपस में पूजा कर रहे हैं, कोई बाहर निकल नहीं रहे हैं। इसलिए हम सबका ही सौभाग्य है, इसमें रक्षा करनी चाहिए। अपनी अपनी रक्षा सबको करने का अधिकार है और सोशल डिस्टेंसिंग का फायदा उठाते हुए सब लोग आपस में पूजा करें, घर में रहें, सहोदर उदारता के साथ इस त्यौहार को मनाएँ और अपने अपने साथ का परिचय दें। भारतवर्ष की सबसे पवित्र त्यौहार कृष्ण जन्माष्टमी, जो पूरे विश्व में बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती थी, हम भारतवासियों ने कोरोना की वजह से इस सारे से मनाने में सब लोग अक्षम हैं और सब लोग घर में ही मनाएं, पूजा करें, भगवान से प्रार्थना करें विश्व शांति के लिए। सब इससे प्रार्थना करते हुए भगवान से प्रार्थना करें ये रोग दूर जल्दी दूर हो, सब लोग सुखी और आनंद के साथ रहें। और भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव ही दुष्टों के विनाश के लिए हुआ था और भारतवर्ष में इसीलिए इस पर्व को बड़े उत्साह के साथ हमें विश्व में मनाते हैं, लोग बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं। जब जब भारतवर्ष पर कष्ट आया, जब जब पृथ्वी पर कष्ट आया, भगवान ने नाना प्रकार के रूप धारण किए और ये विशेष एक ही चांद से करायु तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान का 16 कलाओं से युक्त परिपूर्ण कृष्ण अवतार है। इस अवतार के अनुसार अनेक प्रकार के उत्सव, अनेक प्रकार के सामाजिक शांति के लिए अनेक प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं। सब लोग मनाएं और सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, यही प्रार्थना है। और इस वर्ष विशेषकर जन्माष्टमी का जो उत्सव सूक्ष्म रूप से सब लोग मना रहे हैं। सनातन धर्म सभा का पर्व बड़ा उत्साह के साथ मनाया जाता था, लेकिन इस बार यहाँ पर सब लोग शांति के साथ में उत्सव मना रहे हैं। एक दो आदमी आ रहे हैं, मंदिर में ताला लगा हुआ है, अंदर ही अंदर पूजा होती है, कोई बाहर नहीं जाते हैं। तो बाहर जाने से फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी उनका सबका ऊपर से आदेश है और अपने रक्षा के लिए भी बहुत उत्तम है, वो हम लोगों ने सबको मानना चाहिए। और इसी के साथ में भगवान की पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए।